डीसी वर्सेज आरसीबी मुकाबले के एंड के बाद जब अवार्ड सेरेमनी में फैब डुप्लेसी को इन यहां पे टक्कर जो कि मोहम्मद सिराज और फिली साल्ट के बीच हुई थी उसके बारे में पूछा गया तो उनका बयान भी काफी ज्यादा रोचक था। क्या बयान उन्होंने दिया वही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद सिराज और फिली साल्ट के बीच एक भयंकर झड़प देखने को मिली और उसी झड़प को यहां पे टारगेट करते हुए अवार्ड सेरेमनी के अंदर फैब डुप्लेसी से पूछा गया कि एक्चुअल में ये झड़प होने का कारण क्या था। तो फैब का भी जवाब कुछ इस अंदाज में आया, उन्होंने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को पहले जो एक चौका और एक छक्का लगा दिया था फिली साल्ट ने, उसके अंदर यहाँ पे उसका बदला लेने के लिए या फिर और ज़्यादा निखार लाने के लिए शायद उन्होंने ये बॉल फेंकी थी जो कि तीखी बाउंसर बॉल थी, और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जो फिली साल्ट हैं वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने पहले गुस्सा दिखाया, उसके बदले में यहाँ पे मोहम्मद सिराज ने जो एक्शन लिया वो गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन एज ए मैच देखा जाए तो ये खेल भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सिचुएशन थी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की ही गलती थी इसके अंदर और मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहूंगा इस मामले में। दोस्तों, फैब डुप्लेसी की इस तरह की थिंकिंग के बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।